सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग जा रहे हैं ग्राफिक एरा कॉलेज का टूर पे। मैं आपको लेके चलूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या क्या है यहाँ पे, कौन कौन सी जगह पे है। जैसे जैसे यहाँ पे नई नई एंट्री हो रही है बच्चों की, तो थोड़ा ज़रूरी हो जाता है उन लोगों के लिए भी पता रहना कि कौन सी जगह कहाँ पे है। जितना मेरे को पता होगा मैं उतनी बातें आपको बताऊँगी। और चलिए फिर चलते हैं। वैसे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देना चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, ज़रा देखिए, देख सकते हैं आप लोग, काली घटा छाई हुई है पूरी। हवा भी बेमिसाल चल रही है। चलिए फिर चलते हैं। भाई साहब बह रहा है पानी कतई। ये मेन गेट, ये सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, सब यहीं से जा रहे हैं। ये है डिस्पेंसरी, ये वाली, ये हमारी फ्रेंड वगैरह खड़ी है। ये टक शॉप है जो अभी बंद है। यहाँ से यूनिवर्सिटी शुरू होती है। यहाँ पे कैंटीन है, कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। इधर सब कुछ मिलता है, इधर ज़्यादातर खाने पीने का हल्का फुल्का सामान। फिर यहाँ से अंदर की तरफ जाते हैं। यहाँ पे वैन्स बसेस वगैरह खड़ी हैं। ये हमारा मेन ग्राउंड है, यहाँ पे फुटबॉल मैचेस चलते हैं, वॉलीबॉल चलता है, क्रिकेट चलता है। वो सामने CSIT बिल्डिंग है, वहाँ पे भी जाएंगे अभी। ये है ग्राफिक एरा की मेन बिल्डिंग। ये दो हमारे कैंपस के कपल्स हैं, ये दोनों लोग हमेशा साथ में रहते हैं। इनका नामकरण नहीं हुआ है अभी तक, आप लोग बताना कोई अच्छा सा नाम। कैसे बैठे हैं, पीट करके क्यों बैठे हो? क्या चल रहा है भाई जिंदगी में? सब सही? ओहो, मैं लैंडस्केप ले गई थी। गीले हो गए वो। मैं कुछ नहीं कह रही तेरे को। शोना मेरी प्यारी पेट का नाम है, जो कि एक डॉगी है। बेचारे बच्चे नाराज हुए हैं। बाय बाय। बाय। अभी कुछ खाने के लिए देने के लिए नहीं आऊँ हमारे पास। हाँ यार, तो यक्ता जा चुकी है, उसको थोड़ा सा काम करना था। अभी कैंपस थोड़ा गीला गीला हो रहा है, अभी बारिश हो चुकी है। यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है, ये आप देख सकते हैं।
वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद हॉस्टल है, सरदार पटेल हॉस्टल है, लक्ष्मी बाई है और CSIT की तरफ ये रास्ता जाता है। यहाँ पे जाएंगे अभी हम लोग प्रॉपर। आई थिंक अलाउड होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर भी नहीं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोगों को कुछ डायरेक्शंस दे रखे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, जिमनेशियम एंड कैंटीन, बाकी ये सब पढ़ लो। चलते चले चलते चले चलते चले, यहाँ पे हमारे पास कुछ पेड़ पौधे यूनिक स्टाइल में। बिल्लियाँ जा चुकी हैं अपने रास्ते। यहाँ पे छोटा सा डेकोरेशन दे रखा है। ये आर्यभट्ट कंप्यूटर सेंटर, यहाँ से रास्ता हॉस्टल की तरफ, अभी जाते हैं। ये है लाइब्रेरी, यहाँ पे आके बच्चे पढ़ते हैं। ग्रुप स्टडी के लिए अलग रूम है, रीडिंग रूम अलग है, जो बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं अलग से। पानी 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 पानी, ये परम है, परम कंप्यूटर सेंटर। यहाँ पे चलते हैं, चलो ऐसे दिखाऊंगी, शायद वहाँ जाना अलाउड नहीं है, संडे है ना आज। बच्चे बैठे तो हैं, यहाँ पे बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल कोर्ट बना है। यहाँ पे हमारी पुरानी क्लासेस भी लगती थी। ओ वॉशरूम बना हुआ है इधर, पेरेंट्स लोग आ रखे हैं बच्चों के एडमिशन को। थोड़ा अजीब लग रहा है पहले पहले वीडियो बनाना। चलो अब यहाँ दिखाते हैं कि क्या है। ये छोटा छोटा गार्डन, ये है पेट्रोलियम ब्लॉक, ये देख सकते हैं आप लोग, लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। यहाँ पे पेट्रोलियम वाले बच्चे पढ़ लिख के कामयाब बनते हैं, ज़्यादा बोल दिया क्या। ये ओल्ड HM ब्लॉक है, यहाँ नीचे जाके कैंटीन है जहाँ पे लोग जा रहे हैं। ये पेट्रोलियम ब्लॉक का ही पार्ट है। ये ओल्ड HM का पार्ट, ओल्ड HM सामने से दिखाती हूँ। ये है ओल्ड HM ब्लॉक, KP नोटियल ब्लॉक। यहाँ पे छोटी सी कैंटीन दे रखी है, ये हमारा चाणक्य ब्लॉक है। यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज होती है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। फिर यहाँ से आगे जाके गेट नंबर 2,
ये मेरा पहला ही ब्लॉग है इसलिए थोड़ा सा ऑकवर्ड है मेरे लिए भी कैमरे को हाथ में लेके सब जगह घूमना। यक्ता भी जा चुकी है तो थोड़ी और ऑकवर्डनेस बढ़ गई है क्योंकि मैंने उसको लिया ही साथ में इसलिए था ताकि थोड़ा मनोबल बना रहे। पर कोई नहीं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा पार्किंग एरिया है। यहाँ पे साइकिल्स अलग से खड़ी हैं, स्कूटर के लिए अलग दे रखा है, कार के लिए भी है, अंदर जाके है। यहाँ थोड़ा डेकोरेशन डेकोरेशन, वो एरिया अभी भी बन रहा है, कुछ पता नहीं क्या बन रहा है। ये आगे आप लोग देख सकते हैं गेट नंबर 2 है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अच्छा हाँ, ये मैकेनिकल ब्लॉक का पीछे का एरिया है, मैकेनिकल ब्लॉक में आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। चलिए आगे, तो अभी हम लोग यहाँ पे गए थे, ये वाला पार्ट भी मैंने आपको दिखा दिया थोड़ा, अब हम चलते हैं दूसरी। ये दो बिल्लियाँ फिर से हम लोगों को दिख चुकी हैं, बिल्लियाँ नहीं कपल्स, क्या कर रहे हो? चलो बात हो गया, गजब बेइज्जती है। यह है मेन बिल्डिंग, चलो इसको थोड़ा वहाँ देखते हैं क्या क्या है। ये मेन बिल्डिंग थोड़ी अंदर से, नैक A++ ग्रेड मिल चुका है। अभी फर्स्ट ईयर वालों का इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा है इसलिए यहाँ पे इतनी सीट्स हैं, नहीं तो ज़्यादातर ये खाली रहता है। वहाँ पे कुछ कुछ क्लासेस भी लगती हैं, लैब्स लगती हैं। ये ग्राफिक एरा के जिम्स, यहाँ पे बच्चे आराम फरमाते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं सही में। ये झरने चलते हैं, बहुत पीसफुल माहौल रहता है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स हैं, इंजीनियरिंग का है, वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट भी है, वहाँ पे अभी जा नहीं सकते हैं, संडे है ना आज, कभी वर्किंग डे होगा तब मैं आपको दिखा दूँगी अंदर का भी। यहाँ पे विद्यार्थी है, यहाँ से हम लोग कपड़े वगैरह ख़रीद सकते हैं, यहाँ पे कुछ खाने का भी सामान मिलता है, मैगी मिल जाती है, यहाँ पे मेन चीज़ वो है, बाकी और चीज़ें भी मिल जाती हैं, सोप वगैरह। ये कैंटीन है, ऊपर जिम है, यहाँ पे एक छोटी सी और कैंटीन है, इसको कहते हैं रवि भैया की कैंटीन। ये छोटा सा पुल ले रखा है, ये बॉयज़ हॉस्टल है।
वहाँ सामने CSIT है, मुझे लग रहा है कि वहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो को मैं पूछती हूँ किसी से। तो जा सकते हैं घूमने। यहाँ से ऊपर जाके रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल है। तो ये टनल से निकल के CSIT है। सब पेंटिंग्स वगैरह बने हुए हैं। और इस दीवार पे फोटोज वगैरह हैं। सो ये सब था। सो ये है CSIT। यहाँ पे हमारी सेकेंड ईयर वगैरह की क्लासेस लगती हैं, मतलब फर्स्ट ईयर वगैरह वालों की उधर लगती है ज़्यादातर, सेकेंड थर्ड फोर्थ वालों की इधर लगती हैं, BTech वालों की। ये गेट है CSIT गेट कहते हैं इसका। तो अभी मैं अंदर जाके तो आपको नहीं दिखा सकती हूँ, बाहर से ही कुछ ऐसा दिखता है। चलो अब चलते हैं हॉस्टल की तरफ। ये दो बिल्लियाँ मेरा पीछा कर रही हैं क्या? ये हम हैं। जिसका मैंने आपको पहले बैक साइड दिखाया था, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये हॉस्टल को रास्ता, हॉस्टल को भी मैं बाहर से दिखा सकती हूँ, अंदर की परमिशन नहीं है। ये सरोजनी 2 एक तरह से गेस्ट हाउस, यहाँ भी बच्चे रहते हैं, 2-सीटर है इधर। ये मिस्टर कमल कंचाला जी का घर, ये हमारा हॉस्टल। ये सरोजनी है, ये प्रियदर्शनी है, देख लीजिए। लॉन्ड्री आ गई यार, लॉन्ड्री भी देनी है मेरे को। ये प्रियदर्शनी है पूरा,
लॉन्ड्री आ गई। जूते गीले हो चुके हैं, अब हम इसको थोड़ा धूप में रख देते हैं। पूरे कैंपस का राउंड मार दिया मैंने सही में। दिस वॉज द होल कैंपस टूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय।